बता दूंगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप कैसा रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, न्यूजीलैंड में पहुंच चुकी है टीम, इसी टीम के साथ आप सपोर्ट करेंगे इनको, जो गलतियां हो रही हैं उनको किस तरह से कवर अप करना चाहिए? जी, मैं समझता हूं कि देखें, हम काफ़ी देर से मैं ये चीज़ देख रहा हूं कि हमारे बात की जाती है जी हमें मिडल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं मिल रहा, ओपनर हमें मिल गए, मिडल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं मिल रहा। तो मिडल ऑर्डर में बैट्समैन जो है वो देखिए, अगर आप पास में उठा के देखें तो ओपनर जो है वो नंबर मिडल ऑर्डर में आके खेले हैं। जो नया गेंद खेल सकता है उसके लिए पुराना बॉल खेलना बड़ा आसान है। तो हाँ, नीचे से अगर कोई 6 नंबर से 5 नंबर से नया बॉल खेलेगा उसके लिए मुश्किल होगी। तो आपने अभी शान मसूद को भी आपने खिलाया, ये मिडल ऑर्डर में ओपनर को, उसने रन भी किए, असर शफीक था, ओपन करता था, लेकिन आज नंबर 6 पे उसने 69 टेस्ट मैचेस खेले ऑन अ ट्रॉट, तो उसने परफॉर्मेंस की। तो मेरा ख्याल है कि आप किसी ओपनर को अगर मिडल ऑर्डर में खिला लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बात करनी कि जी मिडल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं मिल रहा, मेरा इसके साथ मेरा ख्याल है इत्तेफाक नहीं है। क्या समझते हैं कहाँ पाकिस्तान गलती कर रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है मिडल ऑर्डर में नहीं हो रही? परफॉर्मेंस बेसिकली क्या हुआ है कि पिछले कुछ अरसे से रिजवान और बाबर दोनों परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नीचे वाले लड़कों को उस तरह चांस नहीं मिला या उस तरह उन्होंने जो है ना बैटिंग नहीं की मैचेस में जाके। गेम भी हैं 20 ओवर की गेम जो है, इसमें बड़ी मुश्किल से उनको 1 ओवर या 2 ओवर मिलते थे, तो उस तरह उनको चांस नहीं मिला। जब आप ओपनर ऊपर से रन्स कर रहे हैं और सडनली वो आउट होते हैं और आपके मिडल ऑर्डर अंदर जाते हैं तो उन पर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं है उसके साथ। हाँ, ऊपर से विकेट गिरी है, बैट्समैन अंदर गया, वो प्रेशर ले रहा है एवरी गेम या एवरी सेकेंड गेम, तो वो यूज़ टू है उससे, इस वजह से भी थोड़ा सा लैक किया। रोल क्या देखते हैं, वो 8 ओवर पहले आए या 8 बॉल पहले आए, उनका स्टाइल वही है। मतलब अगर 8 ओवर पहले आया प्लेयर तो उसको ऑब्वियसली विकेट पे खड़ा होना चाहिए, उनका प्लेइंग स्टाइल और उनका रोल वही है। आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में इस तरह से हमें टीम को नुकसान होगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। आपने देखा होगा कि 20 ओवर के मैचेस में कई दफ़ा 20 ओवर पूरे नहीं टीम ने खेले, दैट मीन्स कि इसमें भी आपको प्लानिंग चाहिए। तो आपको जो है वो जैसे ही एक कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप मैं अंदर बैटिंग करने जाता तो पहले बॉल पे मुझे फील लेना वो वाला, मेरे बल्ले में बॉल लगे कि मुझे वो फील आए जो है ना आप बैटिंग की। अब मैं पहले बॉल पे कैसे जाके छक्का मारूंगा? अगर मैं 10 मैचों में मारूंगा तो मेरा ख्याल 8 में मैं फेल होऊंगा और 2 में शायद मेरा लग जाए वो, तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा। आप क्या समझते हैं कि इसी मिडल ऑर्डर के साथ जाना चाहिए या इसमें कोई चेंजिंग भी होनी चाहिए? चेंजिंग देखें जी, ये तो खैर सेलेक्टर्स का काम है, खैर मैं भी उसका पार्ट अभी बनाऊँ सिलेक्शन का, तो होपफुली अच्छी सजेशन दूंगा। जो भी वर्ल्ड कप में गई है टीम जी, मैं कैसे ये कह दूं, क्योंकि उस वक्त लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैं उनको जी मैं आई एम सेटिस्फाइड, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लूँगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो भी टीम गई है मुझे उसको बैक करना है, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जुवेद भाई का, जो यहाँ पे आए, उन्होंने आगे बच्चों को बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं और इससे बच्चों का बड़ा हौसला बढ़ा है, उनका भी बढ़ा और मेरा भी बढ़ा कि मेरा सीनियर जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ इतनी, वो आए हैं और PGL में आके उन्होंने बच्चों को सपोर्ट किया और PGL को बैक किया। थैंक यू वेरी मच।